Are teachers in a position to provide counseling? We have been talking about the role of teacher as a guide and the role of teacher as a counselor. But we need to determine whether teachers can act as counselors in the classroom. Now, teachers have various roles to play. Their prime role is to teach a specific lesson plan and deliver the learning outcomes. However, what we need to determine and what we need to see is that can teachers emerge as counselors in the classrooms as well now if you look at the tradition of being a teacher a teacher is not just somebody who gives information teacher jo hai wo sirf or sirf information provider nahi teacher has a, has an enormous role to play in a classroom jisme jo hai wo social issues behavioral issues एकेडेमिक इश्यूज इन सब इश्यूज पर बात करना बहस करना और मसाइल को हल करना टीचर की जिम्मेदारी समझा जाता है तो अगर हम फॉर्मली टीचर को एज अ गाइड एंड अ काउंसलर लें तो वो गलत ना होगा क्योंकि ट्रेडिशनली स्पीकिंग अ टीचर हैज बीन सॉल्विंग वेरियस इश्यूज इन द क्लासरूम वेदर बींग ट्रेंड और नॉट हाउ एवर इफ अ टीचर एंटर्स अ क्लास रूम प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग then a teacher can play a very effective role in the classroom as a counselor as well because a teacher is set out to be the best counselor for the students why because student, teachers and students are in constant rapport with each other at the same time students and teachers are in con, constant interaction with each other so a teacher is the best possible guide and counselor for students Iske liye जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स की वो टीचर्स बेहतर तौर पर हल कर सकते हैं बनस्पत काउंसलर्स के जिनका इंटरेक्शन जो है वो स्टूडेंट्स के साथ इतना ज़्यादा नहीं होता ज़्यादा इंटरेक्शन जो है वो बाहर हाल एक टीचर का ही होता है इसलिए ये जानना और ये समझना ज़रूरी है कि फॉर्मली और इनफॉर्मली टीचर्स जो हैं वो बाहर हाल काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं और उसमें जो हैं वो जो हैं बिल्कुल अप्रोप्रियट पोजीशन में होते हैं टू फॉर्मली इमर्ज एज दी काउंसलर्स ऑफ देयर ओन स्टूडेंट्स इसमें जो चीज़ बहुत अहम है वो ये है कि क्लासरूम में कहाँ कहाँ पर काउंसलिंग सर्विसेज की ज़रूरत हो सकती है इसकी डिटर्मिनेशन अगर कर ली जाए और टीचर्स जो हैं वो प्रॉपरली जो हैं वो तैयार हों ये करने के लिए तो वहाँ पर जो मसाइल हैं उनको बखूबी हल किया जा सकता है लेकिन अगर टीचर्स जो हैं वो यही समझ लें कि हमने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना है हमारा काम जो है वो तदरीसी मसाइल देखना और हल करना है तो वहाँ पर फिर दे विल शाई अवे फ्रॉम बीइंग काउंसलर्स बट इफ़ दे रियलाइज देयर रोल्स फुली एंड इफ दे अंडरस्टैंड दैट दे आर काउंसलर्स एज वेल फॉर्मली और इनफॉर्मली दे हैव टू एक्ट एज काउंसलर्स एंड फॉर देट प्रॉपर ट्रेनिंग इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड और वहाँ पर जब आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्सरसाइज़ करते हैं तो वहाँ पर टीचर्स बीइंग काउंसलर्स जो है उस पर भी बात करना जो है वो बहुत अहम हो जाती है और इसके साथ साथ टीचर्स जो हैं जब काउंसलर्स के तौर पर सामने आते हैं तो वहाँ पर ऐसी बहुत सी रवायात हैं जिनको बरकरार रखना होता है और ऐसी बहुत से मसाइल हैं जिनका हल टीचर को ख़ुद तलाश करना होता है दौरान तदरीस अगर कोई ऐसा मसला आ गया है जिसका ताल्लुक़ डायरेक्टली एक्डेमिक से नहीं है तो वहाँ पर भी टीचर क्या करेंगे क्या वो अब कॉन्टिनटी को ब्रेक करेंगे क्या वो अपना लेसन पढ़ाना बंद करेंगे एंड दे विल रश टू अ काउंसलर टू सॉल्व अ बेहोरियल इशू या वो ये कोशिश करेंगे कि वो इशू जो है वो खुद सॉल्व करें तो अगर टीचर्स जो हैं दे आर मेंटली प्रिपेयर टू डू सो तो वहाँ पर मसले का हल जल्दी तलाश कर लिया जाता है जितना अच्छी तरह हल क्लासरूम के अंदर तलाश किया जा सकता है वो बाहर तलाश की, नहीं किया जा सकता जब आप किसी बा, बाहर से किसी की हेल्प लेंगे तो हो सकता है कि बात को समझने में देर लगे और मसले का हल थोड़ी देर के लिए बरकरार रहे लेकिन अगर टीचर बेहतर तौर पर अपने स्टूडेंट्स को समझ रहा है तो वहाँ पर मसले का जो हल है वो क्लास के अंदर ही तलाश किया जाता है तो वहाँ पर गुड टीचर्स जो हैं दे

If they realize their roles as counselors, then they would try to solve the classroom based problems themselves. The classroom based problems can be many fold. They can be academic in nature, they can be social in nature, they can be behavioral in nature. But if the teacher is ready to manage things, then teachers can emerge as very powerful counselors in the classrooms. Hindrances for teachers in providing counseling services. When we determine that teachers can emerge as good counselors in the classroom, then we also have to see the problems associated with them. Many teachers want to act as counselors as, as well and want to help out students. However, there are many problems that do not allow them to do so. So let's look at some of the hindrances that may come as a result of teachers trying to become counselors. the टाइम है टाइम इज अ बिग फैक्टर आर टीचर्स इन स्कूल्स एंड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज दे आर कंस्ट्रेंड बाई टाइम टाइम इज अ बिग फैक्टर क्योंकि जो तदरीसी अमल है वह इतना ज्यादा वक्त लेता है कि दूसरे मामला पर बात करना बहस करना मसायल का हल तलाश करना मुश्किल हो जाता है टीचर्स आर ओवर वेलम्ड विद द काइंड ऑफ रूटीन दैट दे हैव टू फॉलो इन द इंस्टीट्यूशंस उनको जो तदरीस का काम है वो इतना ज्यादा होता है कि वो और चीज़ों पर तवज्जो देने से कासिर होते हैं लेकिन टाइम को मैनेज हाल किया जा सकता है लेकिन एक हिंट्रेंस जो वाज तौर पर सामने आती है वो एस्पेक्ट ऑफ टाइम है जब स्कूल का साल शुरू होता है कोई भी ग्रेड लेवल जो है वो शुरू होता है तो उसमें टीचर की तदरीसी जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो जब आप उनसे बात करते हैं काउंसलिंग के हवाले से तो वो या तो साफ इनकार करते हैं या वो कहते हैं कि वो उनके अंदर इतनी एबिलिटीज़ नहीं है कि वो ये कर सकें और इसके साथ साथ टाइम रिस्ट्रिक्शन जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है और टाइम फैक्टर को सामने रखते हुए आप सोशल इश्यूज़ पर बेहोरियल इश्यूज़ पर ना बात कर सकते हैं ना उनको प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं तो टाइम अगर थोड़ा सा टाइम में फ्लेक्सिबिलिटी टीचर्स को दी जाए तो वहाँ पर शायद इन मसाइल का हल भी तलाश किया जाए लेकिन टाइम बाउंड टीचर्स जो हैं उनके लिए बेहवोरियल ईशूज़ को संभालना और लॉन्ग टर्म स्टूडेंट्स के इश्यूज़ पर सोशल इश्यूज पर बेवोरियल साइकोलॉजिकल इश्यूज़ पर काम करना मुश्किल हो जाता है तो इस बात पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि किस तरह टाइम में फ्लेक्सिबिलिटी पैदा की जा सकती है किस तरह ये कोशिश की जा सकती है कि टीचर्स जो हैं वो थोड़ा सा टाइम काउंसलिंग के लिए निकाल लें क्योंकि हम ये डिटर्मिन कर चुके हैं दैट टीचर्स आर द बेस्ट काउंसलर्स फॉर स्टूडेंट्स दे आर एबल to manage their students very well because they know them the best. लेकिन time factor जो है उसकी वजह से बाज़ात teachers जो हैं मजबूर हो जाते हैं इसके साथ साथ teachers जो हैं उनका time जो है वो किस तरह divide होता है Teachers जो हैं they have to achieve their academic targets. That is their prime responsibility. They have to teach, they have to assess, and they have to submit a final grade for the student. उनका स्कूल का जो बेहतरीन हिस्सा है वक्त का वो इस काम में लगता है और ये बहरहाल उनकी ज़िम्मेदारी भी है जब एक्डेमिक टारगेट्स को मीट करना होता है तो वहाँ पर तमाम तवज्जो जो है टीचर की वो यहीं पर सर्फ हो जाती है और बाकी इश्यूज़ पर बात करना जो है वो उनके लिए नामुमकिन होता है इसके साथ साथ लेसन प्लानिंग टीचर्स की जिम्मेदारी है टीचर्स जब लेसन प्लान बनाते हैं और उनको क्वार्टरली लेसन प्लान डिवेलप करने होते हैं तो वो भी एक बड़ा टाइम कंज्यूमिंग फैक्टर है एंड दैट अगेन एमर्ज एज अंड्रेंस टू वर्ड्स गिविंग टाइम टू अदर एरियाज अदर इशूज इन एजुकेशन इसके साथ साथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट्स टीचर्स को बनानी होती हैं दीज आर ऑल एकेडमिक टारगेट्स दैट द टीचर्स हैव टू अचीव इन अ ईयर सो दे हैव टू टेस्ट एंड असेस द स्टूडेंट्स रेगुलरली फॉर्मेटिवली एंड समेटिवली तो वहाँ पर अगेन टाइम फैक्टर जो है वो उनको नहीं इतना टाइम देता कि वो बाकी इशूज़ के ऊपर बहस कर सकें इसके साथ साथ दे हैव टू कंपाइल रिपोर्ट्स उनको स्टूडेंट्स के रिजल्ट कार्ड्स बनाने होते हैं और इसके साथ साथ कोकरिकुलर एक्टिविटीज में भी स्टूडेंट्स को इंगेज करना होता है जिसके लिए प्रॉपर प्लानिंग जो है वो ज़रूरी है हंड्रेंसिस फॉर टीचर्स इन प्रोवाइडिंग काउंसलिंग सर्विसेज we have seen that teachers are short of time and that is why they cannot emerge as counselors at the same time teachers have to grapple with huge numbers in the classrooms so the number of audience becomes a factor which basically means के classroom under students ki tadad a class ki under in इससे यह डिटर्मिन होता है कि टीचर्स जो हैं वो कितना फ्रीक्वेंटली स्टूडेंट्स के साथ वन ऑन वन बेसिस के ऊपर बात कर सकते हैं हमने ये देखा कि छोटी जमात के जो बच्चे हैं टॉडलर से लेकर फॉर एग्जांपल क्लास थ्री तक आम तौर पर स्टूडेंट्स का नंबर महदूद होता है वहाँ पर टीचर्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से स्टूडेंट्स के साथ बेहतर और मुस्बत रवाबत कायम कर सकते हैं क्योंकि नंबर कम होता है और आमतौर पर छोटी क्लासेस में असिस्टेंट टीचर्स की भी बाज़ात प्रोविजन दी जाती है तो जहाँ एक से ज़्यादा टीचर्स जो हैं वो एक क्लास को जो है वो एक साल तक हैंडल करते हैं डील करते हैं तो वहाँ पर बच्चों की पहचान उनकी शनाख्त बेहतर तौर पर होती है उनके तदरीसी मसाइल उनके जो हैं वो सोशल इश्यूज, उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज, उनके बेहोरियल इश्यूज, ये सब इश्यूज जो हैं टीचर्स के सामने होते हैं और टीचर्स जो हैं वो बेहतर तौर पर उनको मैनेज कर सकते हैं लेकिन जैसे जैसे क्लास साइज जो है बढ़ता है वहां पर स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन जो है वो बततरीज कम होता चला जाता है बहरहाल ये कोई खुशाइन बात तो नहीं है लेकिन ये बाज़ात स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स का हिस्सा होती है ये बात क्योंकि स्टूडेंट नंबर जो है वो टीचर्स डिटरमिन नहीं कर रहे होते स्टूडेंट नंबर इज डिटरमिन बाय बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और वहाँ पर जो बच्चे क्लास में आते हैं जो तलब क्लास में आते हैं बाजा उनका नंबर जो है वो बढ़ता जाता है और जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा स्टूडेंट टीचर सोशल इंटरेक्शन जो है वो उतना कम हो जाएगा तो इस चीज़ का हमें ख्याल करना चाहिए कि जब हम एक क्लास की बात कर रहे हैं तो वट इज़ अ मैनेजेबल नंबर कितना नंबर होना चाहिए क्लास में जो टीचर्स जो हैं वो बेहतर तौर पर मैनेज कर सकें तदरीसी अमल भी जारी रहे और इसके साथ साथ काउंसलिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड हम करते चले जाएँ आमतौर पर कहा यह जाता है कि 25 फाइव इज़ अ गुड नंबर ट्वेंट इफ इफ द क्लास इज ऑफ 25 फाइव स्टूडेंट्स दैन दैट इज़ अ मैनेजेबल नंबर फॉर द टीचर टू हैंडल और आम तौर पर जब ग्रेड थ्री से अबव चूंकि सिंगल टीचर्स क्लासेज मैनेज कर रहे होते हैं तो वहाँ पर पच्चीस जो है वो एक अच्छा नंबर है जिसमें तदरीसी अमल मुस्बत तरीके के साथ हो सकता है और इसके साथ साथ जो दीगर इशूज़ हैं उन पर भी टीचर्स फोकस कर सकते हैं लेकिन आम तौर पर ऐसा मुमकिन होता नहीं है क्योंकि मिडिल स्कूल और सीनियर स्कूल में तादाद बढ़ जाती है हर क्लास में हर सेक्शन में स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ जाती है स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन जो है कम हो जाता है तो जब यह होता है तो वहाँ पर फिर काउंसलिंग सर्विसेज जो हैं वो मुस्बत तरीके से नहीं दी जा सकती वो इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि टीचर्स जो हैं वो कम से कम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं एट अ सोशल लेवल क्योंकि टीचर्स का जो बुनियादी मकसद है वो लेसन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन है वो टीचिंग टारगेट्स को मीट करना है और टीचिंग टारगेट्स जो हैं वो एक घंटे की क्लास में उनको मीट करना जो है वो ही बहुत बड़ा चैलेंज होता है और बात जो क्लास ड्यूरेशन है वो चालीस मिनट भी होती है तो जब ये मुश्किल होता है तो वहाँ पर काउंसलिंग सर्विसेज जो हैं वो और मुश्किल हो जाती हैं अनलेस अ टीचर ट्राइज इट ऑन हर ओन एंड डिसाइड्स टू मीट स्टूडेंट्स आउटसाइड द क्लासरूम एंड गिव देम सेपरेट टाइम जो कि क्लासरूम एक्टिविटी का हिस्सा नहीं होता इफ अ टीचर डिसाइड्स टू डू दैट देन दैट इज़ हर ओन विल दैट इज़ हर ओन विलिंगनेस टू डू सो लेकिन टीचर अगर ये नहीं कर रही और वो ओवर हैं इन टर्म्स ऑफ फिनिशिंग देयर एकेडमिक टारगेट्स तो वहां पर फिर काउंसलिंग सर्विसेज जेबटाइज होती हैं देन टीचर कैन नॉट मेंटेन अ सोशल रिलेशनशिप विद द स्टूडेंट्स इट बिकम्स अ वेरी मैटर ऑफ फैक्ट अ वेरी रूटीन एक्टिविटी जहाँ पर जो टीचर्स और स्टूडेंट्स जो हैं वो बस तदरीसी मसाइल पर बात करते हैं और अगर हम ये कहते हैं कि अगर किसी भी को कोई एकेडमिक इशू है तो हो सकता है एकेडमिक इशू का जो ताल्लुक़ है वो किसी सोशल या साइकोलॉजिकल इशू से अटैच्ड हो तो जब तक उसकी शनाख्त नहीं होगी तब तक तदरीसी मसला हल नहीं होगा उसके लिए टीचर का स्टूडेंट को जानना ज़रूरी है और अगर टीचर के पास वक्त नहीं है या क्लास साइज़ इतना बड़ा है कि वो वक्त नहीं दे पा रही तो वहाँ पर शनाख्त भी मुश्किल होती है और मसले का जो हल है वो तलाश नहीं होता मसला बरकरार रहता है तो इसीलिए दिस हैज अगेन इमर्ज आउट एज अ बिग हिंड्रेंस टू वर्ड देंट ऑफ टीचर एज अ काउंसलर हिंड्रेंस फॉर टीचर्स टू बिकम काउंसलर इन स्कूल्स वी हैव बिन लुकिंग एट डिफरेंट हिंड्रेंसिस एंड वन ऑफ दिंड्रेंस दैट नीड्स टू बी गिवन इट इम्पोर्टेंस टू इस टीचर ट्रेनिंग द प्रोफेशनल डिवेलपमेंट ऑफ टीचर्स हाउ मच टाइम इज एलोकेट इन अ स्कूल यर

That traditionally speaking, teachers they do act as counselors, they do solve the issues in the classroom. However, they need to touch upon it you know, in a very professional manner, which basically means that they need to get proper training to do so. Now, the question is how much training is provided to the teachers? In a school year, in one year time, how much professional training is given to the teachers in terms of they being गुड गाइड्स एंड काउंसलर्स इन द क्लासरूम क्योंकि काउंसलिंग जो है वो टीचिंग के साथ जो है अटैच है उसी वक्त जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो आपको काउंसल भी करने की ज़रूरत महसूस होती है तो काउंसलिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से तभी की जा सकती है जब आप उसकी ट्रेनिंग आपके पास मौजूद हो जब आप उसमें प्रॉपर स्किल डिवेलप करें तो इसके लिए स्कूल्स की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो टीचर्स को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे मौाक़े फराहम करें कि वो अपनी इन स्किल्स को जो है पॉलिश कर सकें इन स्किल्स का इस्तेमाल कर सकें एंड दे एमर्ज एज़ बेटर काउंसलर्स इन द्लास रूम इसके ज़रिए इसके लिए स्कूल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ का अपने स्कूल के अंदर ही जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं मिसाल के तौर पर रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जब आप अपना ईयरली कैलेंडर बनाते हैं तो वहाँ पर ऐसी पॉकेट्स जरूर रखें जिसमें टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है वो रेगुलरली हो सके तो अगर आपका क्वार्टर्स के अंदर जो है वो टाइम टेबल डिवाइडेड है तो फिर एक क्वार्टर में कितनी ज़्यादा ट्रेनिंग्स आप टीचर्स की रख सकते हैं कहाँ पर उनको ब्रीदिंग स्पेस दी जा सकती है कि वो अपनी ट्रेनिंग पर कॉन्सनट्रेट कर सकें और अपनी स्किल डेवलपमेंट पर काम कर सकें इसके साथ साथ ट्रेनिंग के साथ साथ इन हाउस सपोर्ट कितनी दी जा रही है अगर आप टीचर से ये कहते हैं कि आप दिन में पाँच छः क्लासेस भी पढ़ाएं और उसके बाद आफ्टर स्कूल जाकर ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करें तो ये थोड़ी सी ज्यादती है बिकॉज अ टीचर वर्क्स होल हार्टेडली इन अ स्कूल फॉर अ डे एंड आफ्टर स्कूल ही और शी हैज़ टू गो टू अटेंड अ ट्रेनिंग प्रोग्राम तो उसमें दैट बिकम्स दैट बिकम्स अ वेरी लेंथी अफेयर तो वहाँ पर बेहतर है कि आप टीचर्स को इन हाउस सपोर्ट दें और ऐसे सपोर्ट टीचर्स जो हैं वो स्कूल में होने चाहिए जो टीचर की गैर मौजूदगी में जो है वो लेसन प्लान जो है उसकी प्रॉपर डिलीवरी कर सकें और टीचर्स जो हैं वो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग लेकर वापस आएँ यू नीड टू प्रोवाइड दैट क्वेश्चनिंग स्पेस टू द टीचर्स सो दैट दे कैन इन्वेस्ट इन देयर ओन प्रोफेशनल डिवेलपमेंट समटाइम्स टीचर्स डू वॉन्ट टू प्रोफेशनली डिवेलप दैम सेल्फ हाउ एवर they are not supported by the schools. so in-house support is absolutely important. we must provide the required support to the teachers because if we don't, then the status quo will continue. routine teaching and learning will continue. and this is not what we want if we want students to develop. if we want schools to develop. this, is in-house support to the teachers ko zarur te. uske baad jo flexible timing here peer interaction here that is also something very important how much are teachers interacting with each other how much are they sharing their notes with each other again that is something which is absolutely important the sense of collegiality is very important we must share notes with each other we must reflect on our practices by sitting together and that is how we learn from each other so how much provision is is provided in the school to do so स्टाफ रूम्स शुड बिकम एक्टिव फोरम्स फॉर डिस्कशन स्टूडेंट लेट डिस्कशन फॉर एग्ज़ाम्पल और टीचर लेट डिस्कशनस स्टूडेंट्स को भी हमें चाहिए कि इन्वॉल्व करें इन प्रोवाइडिंग काउंसलिंग सर्विसज टीचर्स जो हैं वो भी जो है वह कोशिश करें कि वो काउंसलिंग सर्विसज पर प्रॉपर ट्रेनिंग लें स्टाफ रूम्स कैन बिकम एक्टिव फोरम्स टू डू सो तो यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत है इस अमल की ज़रूरत है कि हम किस तरह इन चीज़ों का स्कूल में इनका प्रॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज़ इफ़ यू डोंट डू सो तो वहाँ पर फिर काउंसलिंग सर्विसेज जो हैं वो पसे पर्दा चली जाती हैं और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि काउंसलिंग सर्विसेज जो हैं वो टीचर्स उनका इस्तेमाल करें मगर उसके लिए टीचर्स को सपोर्ट करना उनको प्रोफेशनली ट्रेन करना और टीचर्स का आपस में कुलीजियालिटी का मुजाहरा करना आपस में बैठ के डिस्कशंस करना ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं so professional support and professional guidance that is absolutely important and that actually builds the professional capacity of the teachers so that they can provide good and ample counseling services in the classroom